ठीक है गाइस, आज हम क्लास नाइन्थ की मैं क्लास नाइन्थ के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, क्लास नाइन्थ मैथ्स चैप्टर पहला आया आज हमारा। ठीक है, आज ही से मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, नंबर सिस्टम। ठीक है गाइस, तो आज हम नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए हमें बेसिक बेसिक चीज़ें सी थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें जो हमें आनी चाहिए, जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले सिंपल सिंपल से ये कुछ नंबर्स जानने हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला आप गाइस देख सकते हैं हमारा है इवन नंबर। ठीक है गाइस, इवन नंबर कौन से होते हैं? डिविजिबल बाय टू। ठीक है, जो इजीली टू से डिवाइड हो जाते हैं, माने कि टू के टेबल में आते हैं। अब टू के टेबल तो आपको पता है, आप मोस्टली लोग 2, 10 या 20, बस इसके आगे तो कोई जानता नहीं। मोस्टली जानते हैं बट कोई याद नहीं करता इतना। तो गाइज इसके लिए एक आपके पास ट्रिक है, जिन नंबर की लास्ट डिजिट गाइस 0, 2, 4, 6, 8 होती है। जिन नंबर के लास्ट में या तो जीरो आए, मतलब लास्ट में मतलब वंस प्लेस पे, या तो जीरो आए या तो 2, 4, 6, 8 आए, तो गाइज वो इवन नंबर्स होते हैं। इवन नंबर मतलब वो टू से डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 1, 5, 4, 3, 2, 8, 9, 0, मैंने आपको बहुत बड़ा नंबर दे दिया, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,000,000, मतलब 15,43,290, 15,43,290, इतना बड़ा एक नंबर है। मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये टू से डिवाइड होता है? तो आपके पास सिंपल सा है, माने ये इवन नंबर है या नहीं है। तो इसके लिए आप सिर्फ देखेंगे इसके लास्ट डिजिट। आप देखिए ध्यान से, इसकी लास्ट डिजिट में जीरो है और आप देखिए हमारी लिस्ट में जीरो है। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब ये इवन नंबर है। तो आप इसी इजीली इसके जरिए आप कैसे भी किसी भी बड़े नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो इवन नंबर है या नहीं है। ऑड नंबर वो होते हैं नॉट डिविजिबल बाय टू, मतलब जिनकी लास्ट डिजिट ये नहीं होंगी। सिंपल इसे याद कर लो, जिनकी लास्ट डिजिट ये जो होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ना जीरो आना चाहिए, ना टू, ना फोर, ना सिक्स, ना एट। जैसे कि मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ, 1, 5, 3, 2, 1। ठीक है गाइस, इसके लास्ट डिजिट देखिए क्या आ रही है, वन आ रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं ना ही इसके लास्ट डिजिट में जीरो है, ना टू है, ना फोर है, ना सिक्स है, ना एट है। इट मीन्स कि हमारे इसके लास्ट डिजिट पे वन आ रहा है, ये लिस्ट वाला हमारा कोई भी नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये इवन नंबर नहीं है, ये हमारा क्या है, ऑड नंबर। ठीक है गाइस, अब प्राइम नंबर बता देता हूं। प्राइम नंबर ओनली टू फैक्टर्स, एक तो वन एंड दूसरा वो इटसेल्फ। ठीक है, तो देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके दो फैक्टर होते हैं। फैक्टर का मतलब जो सिर्फ दो के ही टेबल में आता है, एक तो वन होना चाहिए, ये वन है गाइस, और एक वो खुद होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल टू ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टू ले लिया। ठीक है गाइस, तो टू क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है। क्यों क्यों टू के एक प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि टू सिर्फ दो के ही टेबल में आता है, सिर्फ दो के टेबल में आता है। एक तो वन के आता है और एक खुद के टेबल में आता है, इसके अलावा वो किसी के टेबल में नहीं आता। मतलब जो भी, जैसे कि मान लो टू किसके टेबल में आता है, वन और टू के टेबल में आता है, वन टू इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स हम उन नंबर को कहते हैं जिसके टेबल में हमारा नंबर आ जाए। ठीक है, अब आते हैं हम कंपोजिट नंबर, इसका है हमारा मोर देन टू फैक्टर, दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। अब कितने भी हों, दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, तो तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह, सात, आठ, जितने भी हो। ठीक है, उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन, याद रखिएगा नेचुरल नंबर हमारा वन से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारा कहां से स्टार्ट होता है, वन से। और ये कैसे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कभी डेसिमल में नहीं होते, ध्यान रखिएगा। नेचुरल नंबर ना ही डेसिमल में होते हैं, और ना ही ये किसमें होते हैं, ना ही डेसिमल्स में होंगे, और ना ही आपके फ्रैक्शन में हो सकते हैं ऐसे, बट इनके डीआर पे सिर्फ वन होता है। देखिए मैं इसे भी फ्रैक्शन में बना के लिख सकता हूं, आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लिया, वन मान लिया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लिया, वन मान लिया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लिया, वन मान लिया। क्योंकि जिस नंबर के नीचे डीआर पे कोई नंबर नहीं होता, तो उसके नीचे हम वन मानते हैं। अब आते हैं गाइस वोल नंबर पे। वोल नंबर हमारा क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो आपको पता है जीरो भी होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा, सिक्स होगा, सेवन होगा, एट होगा, और आगे चलता रहेगा। गाइस देखिए एक बार ध्यान से देखिएगा इस नेचुरल नंबर को और इस वोल नंबर को। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट कहां से होते हैं, देखिए वन से होते हैं, वन आता है, टू आता है, थ्री आता है, फोर आता है, फाइव आता है, सिक्स आता है, सेवन आता है, एट आता है। और वोल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। तो मैं आपसे बोलता हूं ऐसा वो कौन सा नंबर है, जो वोल नंबर तो है, जो वोल नंबर की लिस्ट में तो आता है गाइस, देखो वोल नंबर की लिस्ट में तो आता है, बट वो नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो ध्यान दीजिए गाइस, देखिए जीरो,
जीरो एक ऐसा नंबर है जो वोल नंबर की लिस्ट में तो आता है, बट देखिए गाइस वो नेचुरल नंबर में नहीं आता। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर हमारे वन से स्टार्ट होते हैं तो जीरो तो नहीं आ रहा, बाकी जितने भी नंबर नेचुरल नंबर जो होते हैं, देखिए मैं एक दो स्टेटमेंट लिखूंगा आपके, ऑल ठीक है गाइस। देखिए मैंने यहां पे देखिए दो स्टेटमेंट्स लिखी आपकी, दो स्टेटमेंट्स आप देखिए दो स्टेटमेंट्स को, पहली स्टेटमेंट्स क्या है, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल का मतलब होता है सारे, ठीक है, ये जितने भी सारे के सारे नेचुरल नंबर है, क्या ये वोल नंबर है, ये सारे के सारे वोल नंबर है, बिल्कुल वोल नंबर है। देखो वन हमारा एक नेचुरल नंबर है, मैं कह रहा हूं ये तो वोल नंबर भी है, देखो वन वोल नंबर भी है, टू भी हमारा नेचुरल नंबर है तो टू भी हमारा वोल नंबर है, वोल नंबर की लिस्ट में आ रहे हैं। आपको पता है ये जितने भी आगे जितने भी नंबर आएंगे इनफिनाइट नंबर्स होते हैं, इनफिनाइट मतलब अनगिनत नंबर होते हैं, तो जितने भी इनफिनाइट नंबर्स हैं वो सारे के सारे वोल नंबर में भी आते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे वोल नंबर होते हैं। क्या होते हैं गाइस, वोल नंबर। चलिए अब नीचे वाली स्टेटमेंट कहते हैं, नीचे वाली स्टेटमेंट कह रही है ऑल वोल नंबर, अब हम सारे वोल नंबर पकड़ लेते हैं, सारे वोल नंबर तो मतलब जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या वाकई में सारे के सारे वोल नंबर हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, तो ध्यान से देखिए गाइस, सारे के सारे नहीं, वन से आगे जितने भी होते हैं हमारे वोल नंबर वो सारे नेचुरल होते हैं, बट एक नंबर हमारा ऐसा है जो वोल नंबर में तो आता है बट नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो आप देख सकते हैं वो कौन है, जीरो। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, बिकॉज यहाँ पे ऑल का इस्तेमाल हो रहा है, ऑल का मतलब होता है सारे, सारे में तो ये 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 और इसके आगे सब के सब इंक्लूड होते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और ये वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। गाइज ये दो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा और आपको ये सारे के सारे आने चाहिए। मैं आप सभी लोगों से एडवाइस करूंगा, सबसे पहले आप इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप पहले इसके बारे में इसे पढ़ लें, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे कॉपी में नोट डाउन करके इसे अच्छे से समझ लें, देन आगे एक्सरसाइज पे और मेरे आगे थ्योरम्स पे बढ़े। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप तब तक इसे देख भी सकते हैं, तभी आगे वीडियो पे बढ़िएगा, आपको सही फायदा होगा। गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूं इंटीजर्स किसे कहते हैं। देखिए इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, पॉजिटिव को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आप चाहो तो मैं ऐसे भी लिख देता हूं आप लोगों के लीजिए गाइस, पॉजिटिव भी होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है गाइस, इंटीजर्स कहते किन नंबर्स को, जो आपके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेड होते हैं। देखिए ना अपने नंबर लाइन, ये यहां पे होता है देखो क्या, जीरो राइट साइड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं राइट साइड में बढ़ूंगा नंबर बढ़ते रहेंगे, फिर ये आ गया थ्री, ये आ गया फोर, ये आ गया फाइव, ये आ गया सिक्स, ये आ गया सेवन और ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी का साइन ये होता है गाइस, ठीक है इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। जीरो के राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर, जीरो के ये जो राइट साइड होते हैं ना गाइस, इसमें होते हैं आपके पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और जीरो के लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर। ठीक है गाइस, देखिए जीरो के बाद आया माइनस वन, फिर यहाँ पे आया माइनस टू, फिर यहाँ पे आया माइनस थ्री, फिर यहाँ पे आया माइनस फोर और आगे ये भी इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। ठीक है गाइस, तो बेटा याद रखिएगा हमारे इंटीजर्स किसे कहते हैं, जो हमारे नंबर लाइन पे आते हैं, किस पे आते हैं गाइस, नंबर लाइन पे। ठीक है, चलिए चलिए चेक करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मेरा एक नंबर है माइनस का 25 और एक नंबर है 3। आप देख सकते हैं क्या मुझे पता है माइनस का 25, आप जानते हैं ये हमारा एक नेगेटिव नंबर है, क्या ये हमारा नंबर लाइन पे आता होगा। आपको पता है लेफ्ट साइड पर अगर हम जाते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे पकड़ते हैं माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन, धीरे धीरे हम चलेंगे तो माइनस 25 आएगा। इसका मतलब ये जो नंबर है मेरा, ये जो माइनस 25 नंबर है, ये हमारा नंबर लाइन पे शो हो जाएगा, तो ये इंटीजर है। और उसी तरह थ्री भी हमारा इंटीजर है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये जो हमारा नेगेटिव नंबर है वो हमारा इस जीरो के राइट साइड में पाया जाएगा लेफ्ट साइड में। देखिए नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर जीरो के लेफ्ट साइड पे होता है और पॉजिटिव नंबर जीरो के राइट साइड पे होता है। देखो हियर इट इज, ठीक है गाइस, तो ये है इंटीजर्स। ठीक है, अब गाइस मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, सबसे पहले रैशनल नंबर किसे कहते हैं, रैशनल नंबर किसे कहते हैं। देखिए गाइस, रैशनल नंबर की तीन क्वालिटीज होती हैं, नाइन्थ से हमारी स्टार्ट होती है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वालिटी ये होती है, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म का मतलब होता है ये फ्रैक्शन में होना चाहिए नंबर। देखो फॉर एग्जाम्पल 2 अपॉन 5, 3 अपॉन 7, 0 भी देख लीजिए। आप बोलोगे भैया 0 फ्रैक्शन में कैसे है, तो मैं कह रहा हूं है, किसी भी नंबर के अगर नीचे कुछ ना हो तो हम 1 मानते हैं, हो गया फ्रैक्शन 0 अपॉन 1। ठीक है,
चलिए पहली क्वालिटी ये है कि वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, दूसरी क्वालिटी है उसका पी एंड क्यू बोथ शुड बी इंटीजर, शुड बी इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा पी कौन होता है हमारी फ्रैक्शन में, ऊपर एनआर वाले नंबर को हम पी कहते हैं, और क्यू कौन होता है हमारी फ्रैक्शन में नीचे डीआर प्लेस वाले को हम क्यू कहते हैं, ठीक है। तो देखो पी और क्यू ये दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। देखिए यहां पर देखिए पी पे हमारा टू, क्या टू एक इंटीजर है? बिल्कुल है, क्योंकि वो नंबर लाइन पे हमारा इजिली शो होता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं नीचे क्यू के प्लेस पे कौन आ रहा है, हमारा फाइव आ रहा है, वो भी इंटीजर है क्योंकि वो भी हमारा नंबर लाइन पे इजिली शो हो जाता है, ठीक है। तो हमारा पी और क्यू क्या है, हमारे इंटीजर्स है, ये भी सही है। और तीसरा क्वालिटी ये होती है क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू माने ये जो नीचे वाला नंबर होता है ना गाइज, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जिसमें ये तीन क्वालिटीज होती है उसे रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज? रैशनल नंबर। आप इसे प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से, ठीक है। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं इसका सिर्फ दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ ओनली, जो मालूम है दो बच्चे समझ जाएंगे दो एग्जाम्पल में। मैंने एक ले लिया जीरो, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता करना है क्या ये जीरो जो है वो हमारा, ये जो जीरो नंबर है क्या ये हमारा एक रैशनल नंबर है? आपको पता है सबसे पहला, सबसे पहली क्वालिटीज पढ़ेंगे, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए। आपको पता है हम इसे फ्रैक्शन बना सकते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम वन मान लेते हैं। इसके क्या, किसी भी नंबर के अगर नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, वन। तो देखो ये फ्रैक्शन बन गई जीरो अपॉन वन, ठीक है। पहली क्वालिटी तो इसने क्वालिफाई कर ली। अब दूसरी पे चलते हैं गाइस, इसका p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अच्छा यहां पर p प्लेस पे कौन आ रहा है, जीरो। क्या जीरो इंटीजर है? देखिए गाइस ये नंबर लाइन पे शो हो रहा है, हाँ बिल्कुल इंटीजर है। अच्छा वन भी हमारा इंटीजर है, बिल्कुल, क्योंकि ये भी हमारा नंबर लाइन पे शो हो रहा है, ठीक है। चलिए दूसरी क्वालिटी भी इसने क्वालिफाई कर ली कि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब तीसरी क्वालिटी क्या है इसका, क्यू, मतलब कि नीचे वाला जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो गाइस देखो ये जीरो के बराबर नहीं है, वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, जानते हो ना, तो ये कंप्लीट रैशनल नंबर है। चलिए अब मैं एक और देता हूं आपको नंबर, ये देखिए मैंने आपको एक नंबर दे दिया माइनस का थ्री अपॉन सेवन, ठीक है गाइस। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये हमारा रैशनल नंबर है? कुछ नहीं करना गाइस, हमें तो ये सिंपल अपना फॉर्मूला है ना, अपना ये सिंपल अपने मेन ये रूल्स हैं, अपने रूल्स को फॉलो करना है हमें, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है, ये हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए। किसकी फॉर्म में होना चाहिए? फ्रैक्शन की। आप देख सकते हो माइनस थ्री अपॉन सेवन ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरी क्वालिटी है कि इसका ऊपर वाला नंबर और इसका नीचे वाला नंबर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो आप देखिए माइनस थ्री एक इंटीजर है, आप देख सकते हैं इंटीजर कैसे ये नंबर लाइन पे शो हो जाता है, ये रहा माइनस थ्री, और आप जानते हैं इसके नीचे वाला नंबर है सेवन, वो भी इंटीजर है, देखिए नंबर लाइन पे शो हो जाता है, ठीक है। और बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि इंटीजर में नेगेटिव होते हैं, मैंने आपको बताया था इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जो नंबर लाइन पे आते हैं, और नंबर लाइन पे तो गाइस पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, इसीलिए मैंने यहां पे देखो लिखा पड़ा था, ठीक है गाइस, ठीक है। इंटीजर हमारे नेगेटिव भी होते हैं और गाइस पॉजिटिव भी होते हैं। देखो इसने दो क्वालिटी को क्वालिफाई कर लिया, अब हम तीसरी देखेंगे। तीसरी क्वालिटी ये कहती है कि इसका क्यू जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सेवन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो मतलब कि हमारा ये जो रैशनल, ये जो हमारा नंबर था, इसने हमारी तीनों क्वालिटीज को क्वालिफाई कर लिया, ये एक हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है गाइस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए गाइस हम रैशनल नंबर पढ़ चुके हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे रैशनल नंबर के साथ साथ हाथों हाथ में आपको डेसिमल एक्सपेंशन भी सिखाना चाहता हूँ, तो चलिए उसको सिखा देते हैं, वैसे वो थोड़ा बाद में आएगा काम। चलिए छोड़िए अभी फिलहाल रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन रह देते हैं, वो आगे एक्सरसाइज जब हम बढ़ेंगे तब करवाएंगे, अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज चलते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। देखिए अब अगर रैशनल जा गया तो इरेशनल नंबर बहुत आसान है, ये p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होते हैं, बस सिंपल, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, फिलहाल आपको ये पता चलना है कि इरेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, सिंपल, ठीक है। ये फ्रैक्शन में कभी लिखे नहीं जा सकते, ठीक है गाइस। चलिए बाकी बढ़ते हैं। देखिए गाइस हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो क्लास नाइन्थ का हम एग्जाम्पल वन कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल वन करवा रहा हूँ, ध्यान से आप एग्जाम्पल वन पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है एग्जाम्पल वन, कह रहा है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें सारी स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और हमें साथ ही साथ उसका आंसर भी देना है। चलिए मैं एक बार ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स उतार देता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए गाइस देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारी, एवरी वोल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी वोल नंबर, ध्यान से देखिए एवरी वोल नंबर। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाए थे नंबर्स, तो मैंने आपको बताया था वोल नंबर किसे कहते हैं। वोल नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो आपको ही सभी वो कह रहा है एवरी वोल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, वो कह रहा है जितने भी वोल नंबर होते हैं सारे नेचुरल नंबर होते हैं।
अरे व्होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? व्होल नंबर तो हमारा जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, और ये चलते रहते हैं। आपको पता है इन सब में से नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर कौन होते हैं। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 1 एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 3 भी एक नेचुरल नंबर है, और जितने भी आगे होंगे सारे के सारे नेचुरल नंबर है। लेकिन ध्यान से देखिए गाइस, एक नंबर रह गया जो व्होल नंबर में तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। तो मैं नहीं बोल सकता एवरी, एवरी का मतलब होता है सारे, तो मैं सारे नहीं बोल सकता। मैं ये बोल सकता हूं कि एवरी व्होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट या विदाउट जीरो, ठीक है? जीरो नहीं है, तो यह स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स। इसका आंसर क्या है हमारा, क्यों ये आंसर स्टेटमेंट हमारी गलत क्यों हो गई? क्योंकि सारे व्होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं होते। एक व्होल नंबर ऐसा भी है जो नेचुरल नंबर की लिस्ट में नहीं आता, वो देखो ये रहा, इसे सर्कल कर दिया मैंने, ठीक है? जीरो, जीरो हमारा एक ऐसा नंबर है जो हमारा व्होल नंबर तो है बट उसे हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, ठीक है गाइस? चलिए अब मैं दूसरा आपको दिखाता हूं, दूसरे स्टेटमेंट बताता हूं। एवरी इंटीजर्स, देखो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए इंटीजर्स किसे कहते हैं। इंटीजर्स हमारे वो नंबर होते हैं जो हमारे नंबर लाइन पे आते हैं, ठीक है? तो चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ पे इंटीजर्स लिख देता हूँ। इंटीजर्स कोई से भी इंटीजर, इंटीजर तो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। तो मैंने लिख दिया माइनस का 7.5, मैंने आपका लिख दिया 3 लिख दिया, मैंने 0 लिख दिया, मैंने आपका 4.7 लिख दिया, ठीक है गाइस? देखिए मैंने सिर्फ 4 लिखे हैं, ये इंटीजर्स हैं। आपको पता है माइनस का 7.5 इंटीजर है, एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है ना? ये इंटीजर है नंबर लाइन पे आ जाता है, 3 भी हमारा एक इंटीजर है नंबर लाइन पे आता है, 0 भी हमारा एक इंटीजर है नंबर लाइन पे आता है, 4.7 भी हमारा इंटीजर है नंबर लाइन पे आता है, ठीक है? तो ये सारे के सारे इंटीजर्स तो हैं, बट ये क्या सारे के सारे रैशनल नंबर है? चलो देखते हैं। रैशनल नंबर की 3 क्वालिटीज होती है, आपको पता है। सबसे पहला वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, बन गया फ्रैक्शन माइनस का 7.5/1। दूसरी क्वालिटी क्या होती है, इसका ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए हमारे, दोनों के दोनों हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। आपको पता है ऊपर वाला नंबर तो ऑलरेडी इंटीजर है और नीचे वाला 1 भी इंटीजर है। और तीसरी क्वालिटी होती है नीचे वाला 1 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो ये तीनों क्वालिटीज को क्वालिफाई कर रहा है, तो कहा जाएगा ये इंटीजर, जो ये इंटीजर है ये हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है? चलिए अब 3 पे आते हैं, इसके नीचे सबसे पहले इसे चेक करते हैं, ये हमारा इंटीजर तो है, अब चेक करते हैं क्या रैशनल नंबर है। इसके नीचे कुछ नहीं, हम 1 मान लेते हैं, ठीक है गाइस? आपको पता है पहली क्वालिटीज है, हम क्या करेंगे देखेंगे इसे, अगर पता करना है कि हमारा ये जो इंटीजर है ये रैशनल नंबर है या नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, बिल्कुल 3/1 फ्रैक्शन की फॉर्म है। दूसरी क्वालिटी, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, 3 तो एक इंटीजर है ही है और आप जानते हो 1 भी एक इंटीजर है। और तीसरी क्वालिटी क्या है, ये वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो तीनों क्वालिटीज को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब ये इंटीजर भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। अब गाइस देखो 0 है, सबसे पहले हम इस इंटीजर को फ्रैक्शन की फॉर्म में बना लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लिया, तो वही ये भी रैशनल नंबर है। आपको पता है, जल्दी बता देता हूं थोड़ा सा, ये पहले तो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, दूसरा ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर इंटीजर है, और तीसरा नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है, तो ये वाला भी रैशनल नंबर है इंटीजर, ठीक है? आप जानते हैं इसके नीचे भी कुछ नहीं है 1 मान लिया, तो रैशनल नंबर की क्वालिटीज को जानने के लिए, रैशनल नंबर की क्वालिटीज को जानने के लिए वही तीनों चीजें चेक करेंगे। सबसे पहला ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है 4.7/1, दूसरा ये इसका NR और इसका DR दोनों के दोनों क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, ये भी नंबर हमारा नंबर लाइन पे आता है और ये भी नंबर हमारा नंबर लाइन पे आता है। इंटीजर्स हमारे वो नंबर होते हैं जो हमारे नंबर लाइन पे शो हो जाते हैं, ठीक है? और तीसरी क्वालिटी क्या है, 1 वाला हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है गाइस? तो इसका मतलब सारे इंटीजर्स, आप कोई से भी इंटीजर लेके देख लीजिएगा गाइस, कोई से भी जितने भी इंटीजर्स होते हैं ना गाइस, वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी यस ट्रू है, ठीक है? यस की सॉरी ट्रू लिख देना आप गाइस, ठीक है? ट्रू, वाकई में जितने भी आप गाइस करके देख लीजिएगा, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। आप कोई सा भी इंटीजर ले लीजिएगा गाइस, कोई सा भी, ठीक है? चलिए अब तीसरा हम करते हैं, इस बार बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं। अच्छा जी, चलिए चेक करते हैं सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं कि नहीं होते। तो गाइस अगर मैं बताऊं आपको सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर हैं कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं जो इंटीजर्स होते हैं ना बेटा, गाइस आपको एक चीज और बता दूं, इंटीजर कभी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते, याद रखना इंटीजर्स जो होते हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते। तो इसके लिए आप इसे बोल देना सिंपल सा फॉल्स, इंटीजर्स आपके फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते बिल्कुल। कब नहीं होते, अगर उनके नीचे 1 है, अगर उनके नीचे 1 है। आपको पता है ना, आप बोलेंगे भैया ऊपर वाले इंटीजर्स तो आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गए, बेटा गाइस आप ध्यान से देखिए, इनके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, ध्यान से देखिए।
इंटीजर्स हमारे वही फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं जिनके डीआर पे वन हो, जिनके डीआर पे वन हो, मतलब इंटीजर्स ऐसा हो सकता है फ्रैक्शन की फॉर्म में है लेकिन नीचे हमारा वन है, बट ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है गाइस, क्यों, इसके नीचे वन नहीं है, तो इंटीजर कभी ऐसी फॉर्म में नहीं आता। और आपको पता है ये दोनों के दोनों रैशनल नंबर है ना, देखिए ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है, ये देखिए ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों इंटीजर है, नीचे वाला जीरो के बराबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है, और ये भी आपका रैशनल नंबर है, ऊपर वाला देखो दोनों के दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं और नीचे वाला जीरो के बराबर नहीं है, ये तो कंप्लीट है कि ये दोनों के दोनों रैशनल नंबर है, लेकिन इसमें एक इंटीजर है और एक इंटीजर नहीं है, इंटीजर से वही फ्रैक्शन इंटीजर्स कहलाती है जिसके नीचे वन हो, जैसा कि आपने देखा ये आपका इंटीजर है और ये नहीं है, तो एवरी कहना यहाँ पर गलत हो गया, इसलिए मैंने लिख दिया फॉल्स, ठीक है गाइस, ये मैंने आप एग्जांपल करवाए थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।